तो प्रेम नगर आश्रम हरिद्वार ज्वालापुर में है, उसकी आयुर्वेद कुंभ में। ये तो गंगा का घाट है, ये गंगा घाट है, श्री हंस पावन घाट प्रेम नगर आश्रम हरिद्वार। यहाँ से हम एंटर करते हैं प्रेम नगर आश्रम। ये यहाँ की वन औषधियाँ हैं, चंपा, और ये बहुत ही सुंदर पंचपल्लव वृक्ष। वट अश्वत्थ लक्ष आम्र सुंदर। यहाँ पंचपल्लव की महिमा लिख रखी है। मतलब इस एक वृक्ष में ही उन्होंने पांचों पल्लव जिनमें आते हैं वो लगाए हुए हैं। कुछ ब्रांचेस तो वट की हैं इसमें, कुछ ब्रांचेस में अश्वत्थ की हैं, कुछ प्लक्ष की हैं, कुछ आम्र की है, कुछ उदुम्बर की है। पूरा एक ही वृक्ष पंच पल्लव वृक्ष कहलाता है। बहुत सुंदर, ये देखिए कदली, छोटे समय कदली फला रहे हैं। और आगे चलते हैं तो यहाँ की जगह जगह भगवान श्री कृष्ण के भगवत गीता के कोटेशंस और उनकी हिंदी अनुवाद कर रखी है। देखिए आत्मज्ञान से रिलेटेड बातें। सतपाल जी महाराज का सुंदर औषधि लगा रखी है। देखिए आयुर्वेद को आयुष एक्सपो, आरोग्य एक्सपो। प्रेम नगर आश्रम का मंदिर है, बहुत ही विशाल परिसर प्रेम नगर आश्रम, पूरे में भगवान के कोटेशन। देखिए पूरा अध्यात्म से भरे हुए एक एक शब्द। अलग अलग संत महात्माओं के प्रोटेक्शन, अलग अलग संत महात्माओं की वाणियाँ लिखी हुई है।
देखिए भगवद गीता का कोटेशन, श्रद्धा धना पुरुष मामले वर्तन नित्य संसार को यहाँ से भगवद गीता के पूरा कोटेशन स्टार्ट हो गया उनके हिंदी अनुवाद के साथ। 9th chapter श्रीमद भगवद गीता का 9th अध्याय राज विद्या राज गुह योग नाम। पूरी बाउंड्री हम लोग अपने भगवद गीता के श्लोकों से बनाएंगे। और आगे चलते हैं तो संत के निवास और ये जिन जिन आयुर्वेद कुंभ में आयुर्वेद के वैद्य भाग लिया उनकी देखिए संत निवास संत वास करते विविध प्रकार के भवन बने हुए हैं सायांश भवन फिर देखिए दर्शन भी चल रहा है भगवद गीता कुछ भगवद गीता के श्लोक हैं कुछ रामचरितमानस के छंद हैं कुछ रामचरितमानस के बहुत सुंदर आध्यात्मिक वाणियाँ हैं ये देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है हंस तीर्थ प्रातःकाल 12 बजे दर्शन के समय ये मानसरोवर हॉल ये लॉन ये परम योगी हंस महाराज भोजनालय संतों का ये परिसर के अंदर ही शॉप्स बनी हुई हैं ये आयुर्वेद कुंभ ये देखिए ऊपर से भी स्टार्ट हो गए हर जगह आपको कोटेशन रामचरितमानस के पद मिलेंगे विश्व चलिए।